रेसलिंग की रिंग से सियासत की पिच पे बजरंग पुनिया की एंट्री हो चुकी है और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसान सेल के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हरियाणा चुनाव में मसरूफ थे इसलिए चार्ज नहीं लिया, आज चार्ज लेने आए थे तो कई सारे वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद थे। बजरंग जी बधाई हो आपको। और पहला सवाल तो यही कि बजरंग पुनिया पहलवान से अब किसान बन के नेता बन रहे हैं, क्या प्राथमिकता होंगी? देखो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और पहले मैं आपको बता दूं, मैं पहलवान से किसान नहीं बन रहा, मैं पहले किसान था फिर पहलवान बना था, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। और दूसरी चीज़, जो मुझे जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, मैं सबसे पहले तो पार्टी का धन्यवाद करता हूं, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का, श्री प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ कि एक छोटे से किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और मैं उनको उम्मीद दिलाता हूँ, जो हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर, चाहे वो कांग्रेस किसान के हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, कि मैं मजबूती के साथ आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आप ये लड़ाई लड़ूंगा, चाहे किसान की लड़ाई हो चाहे मजदूर वर्ग की हो, जिसके साथ भी अत्याचार हो रहा मैं आपके साथ डट के लड़ूंगा वो लड़ाई। देखा था हरियाणा चुनाव में जब आप प्रचार कर रहे थे तो आपने कहा था कि मेरी प्राथमिकताएँ नहीं बदलेंगी, जो प्राथमिकता मेरी पहली थी न्याय के लिए लड़ना वो जारी रहेगा। राहुल गांधी ने आपके ऊपर बहुत विश्वास किया है, ये किसान कांग्रेस का? देखिए मैं उनका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, उन्होंने मुझे विश्वास किया तो मैं वो विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा और मैं अपनी तरफ से खूब मेहनत करूंगा। एक सवाल आपसे, हरियाणा चुनाव में किसान पहलवान और नौजवान, ये तीन बड़े मुद्दे थे कांग्रेस पार्टी के, कहाँ कमी रह गई और क्यों किसान का हाथ छूट गया कांग्रेस के? देखिए किसान जवान और पहलवान आज भी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन जो कमियाँ रही हैं, कमियाँ तो भाई आप फील्ड में उतर रहे तो कमियाँ जो खूबियाँ हैं कमियाँ वो तो हर आदमी में हैं, तो उन चीज़ों पे हमारे जो नेता सीनियर लीडर है वो काम कर रहे हैं और मुझे लगता है वो बेहतर जवाब देंगे इस चीज़ का। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में, महाराष्ट्र में किसान एक बड़ा मुद्दा है, किसान और किसान वहाँ आत्महत्या जी बिल्कुल सबसे ज़्यादा सुसाइड किसान महाराष्ट्र में होते हैं और झारखंड में चुनाव, जहाँ पार्टी मेरी जिम्मेवारी लगाएगी मैं उसको बेखूबी नहीं मांगूंगा। छोटा सा आखिरी सवाल, चाहे आप जवाब दें ना दें, एक नैरेटिव शुरू हुआ है पिछले 24-48 घंटे से जिसमें साक्षी मलिक ने कुछ कहा है, उसने कहा कि दो बीजेपी के नेताओं ने हमें परमिशन दिलाया जंतर मंतर पे, अगर कोई इसके पीछे था तो बीजेपी के लोग थे, और इसको पॉलिटिकल रंग साजिश देने की कोशिश जो है पॉलिटिकल, जब हमारा आंदोलन हुआ जब भी हमें पॉलिटिकल साबित करने की खूब कोशिश हुई, तो इस पर मुझे लगता है कि हम बुक पढ़ के अच्छे से जवाब दे पाएंगे। जो साक्षी ने बुक लिखी है, जो साक्षी जो आरोप लगा रही है वो साक्षी से आप उससे पूछिए कि भाई आप इसका जवाब भी, कांग्रेस पीछे नहीं थी, बीजेपी पीछे थी, उन्होंने ही परमिशन दिलाया था, ये तो व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई थी जो बाद में सरकार के खिलाफ, और लोग उसको दूसरा रूप भी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि साक्षी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। ये आप तो मानते हैं ना कि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ थी, एक व्यक्ति के खिलाफ थी जो फेडरेशन में जो हमारी देश की बेटियों के साथ महिलाओं के साथ गलत कर रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई थी, आज भी जारी है वो लड़ाई। बजरंग पुनिया किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, आज चार्ज लिया है और कई सारे जो उनके सहयोगी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं और साहब से अपने बात कही। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।